नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं जैसे आपको बता रखा है कि मैं वीडियो डालूंगा कि मैं अपने बीएड को कैसे ट्रिम करता हूँ, तो दोस्तों आप सभी के सामने ये वीडियो है। पर आप देख सकते हैं कि ये 32-35 मॉडल का ट्रिमर है, क्योंकि अब मैं अपने बीएड को ट्रिम करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बीएड को ट्रिम करने के लिए सबसे बहुत जो जरूरी चीज होती है वो होती है आपका सबसे पहले तो ट्रिमर पकड़ने का तरीका। दोस्तों, आपको ट्रिमर ऐसे पकड़ना है, ऐसे ये लेके जाना है दोस्तों, क्योंकि इसमें लिफ्ट एंड ट्रिम है। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों ये आपके पहले बियर्ड को ये लिफ्ट करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको लिफ्ट करेगा और लिफ्ट करके फिर यहाँ पे ट्रिम करेगा। तो दोस्तों, आप पहले तो सबसे पहले सही तरीके से पकड़ना है ऐसे। दोस्तों, दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रिसीजन पर रख रहे हैं अपने दाढ़ी को। दोस्तों जैसे देखिए, मैं अपने इसको यहाँ पर रखता हूँ 4 नंबर पे, यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों 6 नंबर पे, और यहाँ रखता हूँ 8 नंबर पे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं दोस्तों, अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको पसंद हो। तो दोस्तों, अब देखिए इसको मैं 4th नंबर पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये दोस्तों 4th नंबर पे कर दिया है। दोस्तों सेम इधर भी करेंगे 4th नंबर पे। दोस्तों देखिए 4th नंबर पे दोनों कर दिया है। दोस्तों अब हम करेंगे 6 नंबर पे। दोस्तों यहाँ पर नंबर बढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों अब करेंगे 8 नंबर पे। देखिए दोस्तों, ये दाढ़ी अभी इसकी डेंसिटी कम हो गई है अपने हिसाब से। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर हम मूछ पे जो करेंगे वो 6 नंबर करेंगे। नीचे भी जो भी थोड़े बहुत बच गए हैं उनको भी सही कर लेंगे। तो दोस्तों, ये दाढ़ी अब सेट हो चुकी है। अब इसको हम देंगे टच। ले सबसे पहले हमें इसका यूज करना पड़ेगा। अब हम इसको शेप में देंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, नियम क्या होता है ना कि अपने कंठ से हल्का सा, जैसे ये आपकी कंठ है तो हल्का सा ऊपर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये भी बराबर हो गया है, बराबर हो गया। दोस्तों एक और चीज, मूंछ को सही करने के लिए ऐसे करना चाहिए। और अब इसको क्या करना है कि इसको रेजर से सेट कर लेना है। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, मैं हल्का सा पानी से इसको धोया है क्योंकि मेरी बियर्ड जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और दोस्तों फिर मैं अब ये जिलेट का है तो मैं इसी से इसको सेट कर लेता हूँ। आपसे बहुत लोग बोलेंगे कि रेजर को उल्टा नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों बात आपकी सही है, उल्टा नहीं चलाना चाहिए। बट हाँ, मैं क्या है कि इसको कई साल से करते आ रहा हूँ तो मुझे मेरे स्किन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मैं चला लेता हूँ। वैसे अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप कृपया करके मत चलाएं, नुकसान हो सकता है आपको। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको उल्टा ही चलाता हूँ प्रॉपर शेप आने के लिए और प्रॉपर लुक आने के लिए, थोड़ा मैं उल्टा ही करता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये बियर्ड ट्रिम हो चुका है और प्रॉपर सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आपको अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत सटीक हुआ है, बहुत शानदार हुआ है। तो अगर आप भी ये ट्रिमर लेना चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से फिलिप्स बीटी 3235/15। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार ही और आपका सब्सक्रिप्शन ही बताता है कि हमें थोड़ा और भी मेहनत करनी है आपके लिए, कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और आपके सामने पेश करें और आप सभी के लिए जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा कर सकें। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।